तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के अंदर पहली एप्लीकेशन है एयरफॉयल या फिर एरोप्लेन कैसे उड़ता है, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। तो मतलब कोई बंदा सोचे कि यार लेना देना लगता ही नहीं है बर्नौलीज और जहाज का उड़ना, मतलब कैसे लेना देना है। देखो पूरे जो एरोप्लेन का प्रिंसिपल है उड़ने का वो बर्नौलीज थ्योरम ही है। देखो कैसे, सारी गेम सिर्फ शेप की होती है, शेप से एरोप्लेन की शेप ही ऐसी है जो उसको हेल्प करती है उड़ने में। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंजन उसको उड़ाता है, नहीं इंजन उड़ाता नहीं, इंजन सिर्फ भगाता है। आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 150 160 किलोमीटर पर आर पे भाग सकती है सड़क पे, ठीक। और एरोप्लेन जो है रनवे के ऊपर ही 250 से 300 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेते हैं पर आर की, सिर्फ इतने से रनवे पे, इतना पावरफुल इंजन है। और उसके बाद भी 400 500 600 700 800 850 किलोमीटर पर आर पे नॉर्मल एरोप्लेन उड़ता है जिसमें आप उड़ के जाते हैं। रॉकेट की तो बात ही नहीं हो रही, उसका तो इंजन ही बहुत पावरफुल है। Mach 3 तक तो चलते ही हैं। मैक का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ साउंड को एक मैक बोलते हैं, 1 मैक स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 मैक का मतलब है कि साउंड पहले बजेगी और रॉकेट 3 गुना स्पीड से बाहर निकला होगा, तो पहले रॉकेट निकल जाएगा आवाज बाहर से, बाद में आएगी 3 टाइम ज्यादा टाइम के बाद, इतनी स्पीड होती है रॉकेट की। और भी एडवांस आ गए अब तो और भी स्पीड होती होगी मुझे पता नहीं, पर एरोप्लेन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलता है एरोप्लेन हवा में। रनवे पे तो नहीं चल पाएगा इतना, वो तो फिर रनवे इतना छोटा है कैसे ब्रेकिंग लगेगी। तो होता क्या है, एरोप्लेन की शेप कैसी है, एरोप्लेन की शेप ऐसी बना रखी है नीचे से फ्लैट है, एरिया बड़ा है, ऊपर से एरिया छोटा है, छोटा ऐसे है, डिब्बा नहीं है एरोप्लेन, क्यूब क्यूबॉइड प्लेन्स नहीं होते कभी भी। एरोप्लेन की शेप देखी है आपने, ऊपर से एरिया काफी कम किया होता है। अब उसका रीजन है, देखो जब आप किसी भी बॉडी का एरिया नीचे से बड़ा करते हो तो एरिया आपने नीचे से बड़ा कर दिया, ऊपर का एरिया आपने कम कर दिया, एरिया बड़ा एरिया कम कर दिया। अब जब ये प्लेन मान लो राइट की तरफ मूव करेगा भागेगा, तो हवा कहाँ क्रॉस करेगी, पीछे क्रॉस करेगी। ये प्लेन कहाँ जा रहा है, आगे, और एयर की स्ट्रीमलाइंस कहाँ होगी, इसकी पीछे की तरफ।
देखो तो इसमें जो शेप है एयर फॉयल बोलते हैं इसे, एयर फॉयल या एरोप्लेन की जो शेप ऐसी है कि एरिया नीचे का बड़ा है और एरिया छोटा है। जब एरोप्लेन भागेगा आगे की तरफ तो क्या होगा, एयर क्रॉस करेगी, एयर की स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, एयर की स्ट्रीम लाइन क्रॉस करेंगी और शेप की वजह से यहाँ टाइट भी हो जाएंगी इस तरीके से। क्योंकि जहाँ पर एरिया बड़ा होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो जहाँ एरिया बड़ा होगा वहाँ की वेलोसिटी कम होगी। तो एरिया नीचे का बड़ा है तो नीचे की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और ऐसे अगर ऊपर का एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ऊपर की क्या होगी, बड़ी होगी। तो एयर की जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो तेज वेलोसिटी से मूव करेंगी ऊपर और कम वेलोसिटी से मूव करेंगी नीचे। ठीक हो गया यहाँ तक? तो एरिया के डिफरेंस की वजह से वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, और एरिया का डिफरेंस किसने बनाया, हमने बनाया शेप की वजह से, तो वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया जब वो मूव करेगा। अब बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि किसी भी ऊपर और नीचे पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी इंटू एच का सम क्या है, कॉन्स्टेंट। तो चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगा लो, पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी इंटू एच का सम क्या है, कॉन्स्टेंट। ऊपर नीचे मर्जी लगाओ। अब पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर नहीं करेंगे ऊपर और नीचे क्योंकि ग्राउंड से हाइट बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा है, V1 V2 बहुत तेज होने वाले हैं इसमें, और प्रेशर का डिफरेंस भी बहुत जबरदस्त होगा, तभी तो इतना बड़ा एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जमीन और छत पे बहुत ज्यादा डिफरेंस मायने रखेगा नहीं। तो हाइट का कितना ही फर्क है इस फ्लोर का और इसका छत का, कुछ भी नहीं है, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, प्रेशर एनर्जी बची और काइनेटिक एनर्जी बची, इनका सम बचा। अब क्योंकि प्लेन की शेप ऐसी होने की वजह से नीचे का एरिया ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी का सम तो कॉन्स्टेंट है। तो अगर आपने एरिया चेंज करके काइनेटिक एनर्जी को कम करवा दिया नीचे तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी ऊपर, और ऐसी ऊपर की तरफ क्या होगा, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी उल्टा ज्यादा है, सॉरी ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। अब सोचो नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो नेट प्रेशर कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ है, इससे आपका प्लेन ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रेशर इतना तेज डेवलप हो जाता है डिफरेंस कि लोगों के साथ, एरोप्लेन के वेट के साथ, लगेज के वेट के साथ, सभी को उड़ा के ले जाता है। सारी गेम वेलोसिटी की है। अगर एरोप्लेन सिर्फ 100 की स्पीड पे भागेगा तो उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी तेज हवा चलेगी नहीं कि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी बहुत तेज चाहिए। तो जितनी तेज भागेगा एरोप्लेन वेलोसिटी का डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, प्रेशर का डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा, और एरोप्लेन और हाइट अटेन करेगा। तो जब प्लेन ने उड़ना होता है तो वो स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करता है, रनवे पे 250, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, फिर ऊपर जाके स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, ऑटो मोड पे लगा देते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, एक ही हाइट पर उड़ता जाता है। फिर जब उतरना होता है तो कई किलोमीटर पहले क्या करते हैं, स्पीड को, इंजन की स्पीड को कम कर देते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस कम 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 और कम नीचे उतरता है। तो नीचे उतरते हुए आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि बेल्ट्स लगा लो ऊपर नीचे, क्योंकि सबसे खतरनाक पॉइंट नीचे उतरना ही होता है, लैंडिंग सबसे डेंजर है एरोप्लेन की। पहिए खुले ना खुले, पहली प्रॉब्लम, क्योंकि उस है तो मैकेनिकल डिवाइस ना, बटन दबाया ना खुले तो पहली प्रॉब्लम। दूसरी, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ जाए तो सूडो फोर्स जबरदस्त लगेगी, 250-300 किलोमीटर की मशीन, मशीन भी क्या, एक पत्थर भी उतरता है तो कितनी चोट लगती है। एरोप्लेन, लोग, लगेज, क्विंटल्स में मशीन जमीन पे उतर रही है इतनी 300 की स्पीड के साथ, तो जब वो झटका मारेगी तो लगता है ना एकदम झटका, तो वो बेसिकली वो भी एक प्रॉब्लम है। ब्रेक्स मारनी पड़ सकती हैं, टायर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेल्ट्स के लिए तो बोला ही जाता है कि बेल्ट लगा के बैठ जाओ, कम से कम बेल्ट तो लगा लो, सेफ तो रहोगे। तो बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है वो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर डिफरेंस क्योंकि इस तरीके से चेंज हो रहा है, देखो कोई ये तो है नहीं कि 50 की स्पीड का एरोप्लेन उतरेगा, ज्यादा स्पीड स्लो कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा, ज्यादा तेज करोगे रनवे छोटा पड़ जाएगा। तो एक ऑप्टिमम स्पीड चाहिए जहां पे वो एकदम लैंडिंग करेगा और उतरेगा। सारी गेम उस लैंडिंग की है कि उसकी स्पीड क्या रखी जाए कि प्रेशर डिफरेंस इतना को कि एटलीस्ट ज्यादा जोर झटके ना लगे, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है बर्नौलीज थ्योरम का क्या इसमें यूज है।
तो नेक्स्ट है, आप जो सेंट लगाते हो, डीओ, कोलिन की मशीन, सब बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। आप क्या करते हो कोलिन की मशीन में या किसी डीओ की मशीन में, ये पाइप है, आप प्रेस करते हो, जब आप प्रेस करते हो तो हवा प्रेस करते हो, हवा बहुत तेजी से जाती है तो वेलोसिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, नीचे की तो वेलोसिटी इस पाइप के नीचे तो है ही नहीं, लीकर तो रेस्ट पे पड़ा हुआ था। जैसे ही आप वेलोसिटी ऊपर करते हो तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम प्रेशर यहां पर गिर जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम है, तो प्रेशर की एनर्जी कम है, यहां वेलोसिटी बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, इससे कम तो क्या होगी वेलोसिटी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या डेवलप हो गया, प्रेशर का डिफरेंस, तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है। तो आप जोर जोर की, जब निकल नहीं रहा होता कोलिन, जोर जोर की दबाते हो क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेज कर रहे हो तो प्रेशर बहुत लो कर देते हो, तो प्रेशर डिफरेंस से पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है यहां तक, फिर दोबारा बताना। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये देख रहे हो ट्यूब है, यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यहां पे आप वेलोसिटी तेज कर देते हो, एयर को जब प्रेस करते हो तो हवा बहुत तेज निकलती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को तो कंसिडर करते ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, तो बहुत जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो, यहां पे इंक्रीज करते हो, यहां पे जीरो है, वेलोसिटी इंक्रीज करते हो तो प्रेशर एनर्जी गिर जाती है, क्योंकि टोटल सम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो ऊपर प्रेशर गिर जाता है, नीचे वेलोसिटी जीरो है तो प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, तो क्या डेवलप हो जाता है, प्रेशर का डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस से लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है कर्व्ड पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल, स्पिनिंग की जगह स्विंग बोलना चाहिए, आपने क्रिकेट में देखा होगा आजकल तो वैसा सीजन चल रहा है क्रिकेट का, और क्या होता है बॉलर बहुत तेज बॉल करवाता है तो बैट्समैन को धोखा देने के लिए बॉल लगता है सीधी आएगी, धीरे 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 हवा में अपना रास्ता कर्व कर लेती है और बैट जो है से निकलती हुई, साइड से निकलती हुई यहां से आती 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 विकेट पे लग जाती है। तो ये हवा में बॉल कैसे घूम गई, हवा में बॉल ऐसे घूमी कि सपोज करो आपके पास एक बॉल है जिसको आपने कैसे फेंका, आगे की तरफ फेंका कुछ इस तरीके से, ये देखो मान लो ये स्फीयर नहीं है, चलो ये बॉल है, तो बॉल घूमती हुई आगे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो बॉल जो है वो घूमती हुई आगे की तरफ आ रही है, ऐसे घूम रही है, मान लो ऐसे घूम रही है, तो ठीक है, तो बॉल जो है वो घूमती हुई आ रही है आगे की तरफ आ रही है, चलो बॉल ले लेते हैं, ये देखो बॉल, असली बॉल भी आ गई, ये देखो मैं स्विंग नहीं करा सकता, सिर्फ बॉल दिखा सकता हूँ, तो ये बॉल घूमती हुई आ रही है, ठीक है, ऐसे घूमती हुई आपकी तरफ आ रही है, फेंकी तो स्ट्रेट थी, बॉल जब आगे जाएगी हवा पीछे क्रॉस करेगी, एयर की स्ट्रीम लाइन मेरी तरफ होंगी, तो एयर की वेलोसिटी मेरी तरफ होगी, ये वाला हिस्सा बॉल का ऐसा घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयर के ऑपोजिट घूम रहा है, तो यहाँ की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये वाला हिस्से को फायदा हो रहा है क्योंकि ये इधर घूम रहा है और एयर की वेलोसिटी भी इधर है, तो यहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ की वेलोसिटी कम हो गई, अब यहाँ की वेलोसिटी कम, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो गया इस तरफ, तो बॉल अपनी पाथ को ऐसे मोड़ लेगी, इसलिए बॉल क्या हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा साइड ले लेगी, तो ये बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जहां खुले मैदान है वहां पर, जैसे फॉरेन कंट्री में खुले मैदानों में घर बने हुए हैं तो वहां तूफान भी बहुत तेज आते हैं, हवा बहुत तेज चलती है खुले मैदानों में, बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो छतें सबसे पहले उड़ जाती है मकानों की, और अगर आप ये सोचें कि अगर आप ऐसे घर में हैं जहां पर तूफान आने वाला है, बहुत तेज आंधी आ रही है, आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप खिड़कियां बंद करेंगे, खिड़कियां बंद कर लिया फिर तो पक्का छत उड़ेगी उड़ेगी, देखो कैसे, खिड़कियां जब बंद करते हैं तो क्या होता है और खोल के क्या होता है, छत क्यों उड़ती है पहले ये समझते हैं, जैसे ही तूफान आया, हवा आ रही है, तो ऊपर वेलोसिटी हवा की बहुत ज्यादा है, आपने खिड़कियां दरवाजे कर लिए बंद, तो अंदर वेलोसिटी एयर की क्या कर दी आपने, जीरो, इससे नीचे क्या गिरोगे, बिल्कुल ही बंद कर दी हवा आपने, थोड़ी बहुत भी नहीं चलाई, अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम अंदर प्रेशर बहुत हाई डेवलप हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है तो प्रेशर बहुत हाई डेवलप हो गया, और जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर बहुत लो हो गया, तो छत के ऊपर नीचे प्रेशर का डिफरेंस हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया ऊपर कम हो गया, छत ऊपर उड़ जाएगी, खिड़कियां खोलने से क्या होगा, हवा चल पड़ेगी घर के अंदर से भी, जब हवा चलेगी तो प्रेशर की वैल्यू उतनी नहीं गिरेगी, मान लो नीचे से भी हवा निकल गई ऊपर से भी निकल गई तो प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, तो आप फिर भी घर को बचा सकते हैं, और फिर वैसे सामान खराब हो जाएगा, बात तो एक ही है, घर बचाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल।